हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फोर्स। फोर्स में हम पढ़ेंगे पार्ट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विबेडियम। पहले फोर्स में मोमेंट पढ़ देंगे, तो मोमेंट में आते हैं ट्रांजिशन और रोटेशनल मोशंस। दो मोशंस होते हैं, पहला होता है ट्रांजिशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। ये दोनों मोशन एक रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं, जो दो काइंड ऑफ मोशन बताते हैं। ट्रांजिशन इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। जो ट्रांजिशनल या लीनियर मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में फॉलो करता है। जैसे ये पेन को मैं अगर इस डायरेक्शन में फेंकूंगी तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये रोल होके नहीं जाएगा। मतलब ये लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है। ये बॉल अगर पुश किया जाएगा तो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो ये लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है। रोटेशनल मोशन कब फॉलो होता है? जब व्हील को एक एक्सिस पे बांध दिया गया है, मतलब किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट पे रख के उसको एक जगह घुमाने को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और एक जगह पे रख के छोड़ दिया, वो चीज़ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन में भी आगे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल है हैंडल ऑफ डोर। डोर का जो हैंडल होता है, जो हिंज होते हैं, वो डोर एक जगह पे अटैच होता है और हम डोर को आराम से मूव कर पाते हैं। कोई कोई डोर 360 डिग्री में मूव हो पाता है। पार्क वगैरह में से डोर मिलता है, बीच में उसका रहेगा और वो पूरा गोल गोल घूमते रहेगा, तो वो फॉलो करेगा रोटेशनल मोशन। जहाँ पे उसका एक्सिस रहेगा सेंटर में और वो टेंजेंटली रिम के थ्रू गोल गोल घूमते रहेगा। ये डिफरेंस है ट्रांजिशन और लीनियर मोशन में। मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क। फोर्स और टॉर्क दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका हम मोमेंट पढ़ते हैं, मतलब टर्निंग इफेक्ट पढ़ते हैं। जैसे हम एक बॉडी कंसिडर किए पॉइंट ओ पे, उसको हम पाइवट मानते हैं, और एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पॉइंट एफ से। हेरा पॉइंट एफ, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पॉइंट ओ की तरफ। हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बॉडी को ए पी का लाइन बना के। ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये लाइन अप्लाई हो रहा है, ए पी लाइन बन रहा है और ये पॉइंट बन जा रहा है ओ और पी के बीच में। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ऐसे मार्क करेंगे तो 90 डिग्री हमारा एंगल बनेगा। तो ये कौन सा लीनियर मोशन बता रहा है? ये फोर्स यहाँ से सीधे जा रहा है ना ये पॉइंट की तरफ, तो ये लीनियर मोशन है। और यहाँ जाके 90 डिग्री बन रहा है, तो ए पी पॉइंट फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो बॉडी है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मूव कर सकता है बॉडी? क्योंकि फोर्स जाके इस पॉइंट पे बैठ जा रहा है और यहाँ पे भी पॉइंट ओ है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताता है कि जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकता है। जो फैक्टर है टर्निंग ऑफ बॉडी का, तो टर्निंग ऑफ बॉडी दो टाइप से डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है और उसकी डिस्टेंस क्या है, दोनों को देखने के बाद फैक्टर जो टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का वो अप्लाई किया जाता है। इसके लिए भी हम डोर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे डोर एक जगह अटैच होता है और हम डोर को हैंडल पकड़ के घुमाते हैं, जितना पास से हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना हमें भारी पड़ेगा फोर दरवाज़ा हिलाने में, और इसलिए हैंडल दरवाजे के लास्ट में दिया जाता है ताकि हमें कम फोर्स लगे। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब डिस्टेंस ऑफ फोर्स, कितना दूर से कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, कितना ग्राम कितना डायनम फोर्स लगा रहे हैं, वो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी के लिए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी का डेफिनेशन ऐसा जाता है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी। वो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द एक्सिस रोटेशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी मोमेंट ऑफ फोर्स के थ्रू होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल और परपेंडिकुलर के डिस्टेंस का जो फोर्स है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को ध्यान में रखते हुए होता है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। जो यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स का वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब एफ इंटू डी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी। जो एसआई यूनिट है फोर्स का वो है न्यूटन, जिसको डिस्टेंस में हम लेंगे तो मीटर, और इसका एसआई यूनिट रहेगा न्यूटन इंटू मीटर, मतलब न्यूटन मीटर। जो सीजीएस यूनिट रहेगा वो है डाइन इंटू सेंटीमीटर। लेकिन जब हम फोर्स मेजर करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट में, उस समय जो फोर्स का रहेगा वो एसआई सिस्टम में रहेगी केजीएफ इंटू मीटर, और सीजीएस सिस्टम में जीएफ इंटू सेंटीमीटर। ये रहता है 1 न्यूटन मीटर। इसकी जो रिलेशन बनते जाती है वो आगे जाके 989 बन जाती है। अब हम सीखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
जो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हम क्लॉक को देख के पता लगा सकते हैं। जब क्लॉक सीधे घूम रहा है वो क्लॉकवाइज मोमेंट है, और जो क्लॉक उल्टा घूमेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव इफेक्ट लिया जाता है बॉडी का। क्यों पॉजिटिव इफेक्ट लिया जाता है? क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो बॉडी को इफेक्ट करेगा टर्न करने के लिए, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब चार्ज पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि जो इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज रहेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा है तो बॉडी पे जो टर्न का इफेक्ट रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा क्लॉकवाइज का वो नेगेटिव रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज से उल्टा रहेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का है उसके एक्सिस से आउटवर्ड रोटेट करता है, वहाँ पे डिपेंड करता है, और जो मोमेंट है एक्सिस के इनवर्ड पे वो भी ऑब्जॉर्वर ऑब्जॉर्व कर लेता है। दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये पिक्चर में शो किया जा रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट दिखा रहा है। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों, और ये दोनों क्लॉकवाइज है। जब हम ए की बात करें, ए डायग्राम की बात करें, तब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखा हुआ है और इस यहाँ पे क्लॉकवाइज नेगेटिव लिखा हुआ है। लेकिन जब बी की बात करें तब भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज दोनों जगह उल्टा लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, अभी जो हमने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में क्यों जा रहा है? दो फैक्टर्स हैं, पहला जो पॉइंट है वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में जा रहा है, जैसे ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, उल्टा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है, लेकिन जो पॉइंट लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा। क्यों पॉजिटिव का लगेगा? क्योंकि जो शैडो बनेगा, जो रिम रहेगा, वो बनेगा पॉजिटिव में घूमेगा। क्लॉकवाइज में जब ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तब जो पॉइंट रहेगा वो, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहेगा, वो सीधा उसका उल्टा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो मिरर का प्रॉब्लम रहता है, और दूसरे ऐसे दो तीन लॉ लगते हैं, ऐसे जो क्लॉकवाइज रहेगा वो नेगेटिव में और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में रहेगा। तो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें ये वाला डायग्राम देखेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हमारा ये वाला फोर्स यहाँ से लगेगा, और जब हम एक डायरेक्शन में चलते हैं फोर्स पर सप्लाई कर रहे हैं पॉइंट चेंज करके, तब हमारा ये वाला डायग्राम सूटेबल रहेगा। तो जो कॉमन एग्जांपल हमें मोमेंट ऑफ फोर्स के देखने मिलते हैं, जो फेमस एग्जांपल है वो है ओपन एंड शट ऑफ डोर। जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स पुश या पुल, तो जो एफ है नॉर्मली डोर के हैंडल पे रहता है, जो ये हमारा डोर है, तो ये जो हमारा फोर्स है ये हमारा पाइवेट है। जो एफ है वो नॉर्मली डोर के हैंडल पे हमें दिख रहा है, और जो डोर का हैंडल है, ये जो हिंजेस है, मतलब जहाँ से डोर बंद रहता है, डोर हमें हैंडल पकड़ के ऐसे 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 खोलते हैं, तो यहाँ से तो डोर नहीं खुलता है, तो यहाँ जो हिंजेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स रहता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब लास्ट पॉइंट पे, जितना हम फोर्स डोर के मतलब हिंजेस के पास लगाएंगे उतने हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जितना ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट से हम पास जाके हम डोर को खोलना, पूरा डोर खुल जाएगा, एक बार हैंडल पकड़ के बंद करना मतलब डोर का एंड पॉइंट, और एक बार एकदम हिंजेस के पास में जो रहते हैं स्क्रू उसके पास एकदम बंद करना, और एक बार मिडिल ऑफ द डोर में बंद करना। जो सबसे कम फोर्स हमें रहेगा वो हमें पाइवेट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे जीरो होता है, एक्सेलरेशन इसलिए जीरो माना जाता है, और जितना पास आते जाता है उतना फोर्स बढ़ते जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अपर मूवेबल सर्कुलर स्टोन ऑफ हैंड फ्लावर ग्राइंडिंग, मतलब आटा चक्की जो होती है, हाथ की जो आटा चक्की होती है, ऐसे पकड़ के हम ऊपर का पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं, तो जो रिम के पास हम घुमाते हैं वो जो रिम रहता है मतलब जो खड़ा हुआ है, हम हाथ से जो पकड़ते हैं वो हैंडल को एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है, मतलब जो सर्कल रहता है वो सर्कल के लास्ट पॉइंट पे वो हैंडल दिया रहता है। क्यों? ताकि वो इजिली रोटेट हो पाए। एक और हैंडल अब बनाना ऐसा ही और चक्की के बीच में रख देना और फिर उसको रोटेट करना, वो रोटेट या तो बहुत धीरे धीरे होगी या बहुत चांसेस है वो रोटेट नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जो पॉइंट है सेंटर, उससे हम जितना दूर रहेंगे टॉर्क जब तक जीरो नहीं जाएगा तब तक आपको इजीली नहीं रोटेट हो पाएगा। भारी सामान जब हम कोई उठाते हैं, जब हम कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो हम बीच से पकड़ के नहीं उठाते हैं, साइड से पकड़ के उठाते हैं। क्यों? हमारा हाथ बीच में भी जा सकता है लेकिन तो भी हम साइड से पकड़ के उठाते हैं, क्योंकि बीच में सेंटर रहता है और जितना हम अपना हाथ दूर करेंगे उतना मैक्सिमम डिस्टेंस शो करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस शो करेगा तो फिर हम अच्छे से करेंगे। ये जो पेन है ये हम दोनों साइड से पकड़ के उठाएंगे और बीच से पकड़ के उठाएंगे। हमें फोर्स, पेन हल्का है इसलिए फोर्स समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम नापेंगे फोर्स को डाइन में तब वो फोर्स जो है साइड से पकड़ के उठाने में ज्यादा हल्का होगा। क्यों? इसका एक और रीजन हो सकता है कि दो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स वन और फोर्स टू। बीच में जब हम उठाएंगे तो भी दो फोर्स एक्ट होगा लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक्ट नहीं होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा फोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील देखते हैं। जब स्टेयरिंग व्हील रहेगा तो वो टेंजेंट रहेगा रिम से। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्लॉकवाइज जा रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तब वो नेगेटिव हो जाएगा। ये ऐसे से घूम रहा है और ये ऐसे से घूम रहा है। हम फोर्स चेंज कर रहे हैं, हमारा रोटेशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बाइसिकल का टायर। बाइसिकल के टायर में भी हम देखते हैं व्हील टूटे रहता है बाइसिकल से, मतलब जो चेन रहता है दो जो पार्ट है वो बीच से गड़ा हुआ है एकदम। जो पॉइंट है वो फुट पेडल जो है, यहाँ फुट पेडल की बात देखते हैं। फुट पेडल अगर हम यहाँ रख के घुमाएंगे ना तो नहीं घूमेगा, ये स्क्रू पे अगर आप घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, लेकिन ये स्क्रू पे जब आप घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, लेकिन यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा और हम फटाफट पैदल घुमा देंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं स्पैनर का। स्पैनर मतलब जो रेंच होता है जिससे हम स्क्रू टाइटनर या लूज करते हैं, ये जो रहता है रेंच उसको अगर हम उसमें हम लास्ट में फोर्स लगाते हैं तो वो आसानी से घूमने लगता है। यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ऐसे से करके घूमेगा, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं घूमेगा, और पास फोर्स लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। और पास हम फोर्स लगा नहीं सकते क्योंकि इतना ही है रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जो गैराज में होते हैं ड्राइवर सब, मैकेनिक सब, वो जो उनको जब लंबी गाड़ियाँ ठीक करनी पड़ती है तब वो रेंच में एक और चीज़ें बांध देते हैं, लंबा का रॉड बांध देते हैं। फिर क्या करते हैं, रेंच के पास फोर्स लगाते हैं या रॉड के लास्ट में फोर्स लगाते हैं? वो रॉड के लास्ट में फोर्स लगाती हैं। जितना वो दूर जाएंगे उतना आसानी से घूमेगा। अगर आपको अपने घर का स्क्रू लूज करना है तो आप एक लंबा सा रॉड लाना और रेंच में बांध देना और 120 मीटर दूरी पर खड़े होकर उसको लूज करना। देखना आप उंगली से लूज कर लोगे, लेकिन सिर्फ रेंच से करोगे तो टाइम लगेगा। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं, उस एग्जाम्पल को हमने ऐसे ही नहीं देखा है, उस एग्जाम्पल को पढ़ने का कुछ मतलब था। क्या मतलब था उस एग्जाम्पल को पढ़ने का? वो जो बॉडी रोटेट हो रहा है वो एक्सिस से रोटेट हो रहा है और वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उस पर डिपेंडेंट और वो एक परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बॉडी को रोटेट कर रही है, उसके ऊपर से हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रोटेशन के ऊपर तो वो रोटेशन कर रहा है। लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं तो लेस फोर्स नीड हो रहा है, और वही चीज़ होती है टर्निंग इफेक्ट में भी। ये हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ते हैं कपल। कपल की मतलब क्या होता है? कपल नाम से पता चलता है दो चीज़ें होगी, तो इसका मतलब भी वही होता है, दो फोर्स अप्लाई किए जाएंगे, मतलब पेयर ऑफ फोर्स। ऐसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक रेंच की बात कर लें हम, जब ये रहा रेंच, हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे थे घुमाने के लिए। जब हम कपल की बात करेंगे तो फोर्स वन और फोर्स टू, दो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहीं पे वही होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट की जाती है आइदर साइड ऑफ द बॉडी पाइवेटेड पॉइंट से। मतलब ये रहा पाइवेटेड पॉइंट और ये रहा दो फोर्स, ये दो फोर्स, जैसे नल ले लिया हमने, ये नल का जो ये पार्ट है ये गड़ा हुआ है इसके अंदर, और ये फोर्स वन और फोर्स टू अप्लाई किया जा रहा है, दो फोर्स। यहाँ पे भी ये वाला पार्ट यहाँ पे ढका हुआ है और दो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये घिरका हुआ है और हम चाबी घुमाने के लिए एक उंगली और दो उंगली, मतलब दो उंगली, मतलब दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये होता है कपल। इक्विबेरियम, इक्विबेरियम से हमें इक्वल का अंदाजा लगता है। इक्वल मतलब इक्वल, तो जो ट्रांजिशनल मोशन है वो इक्वल में आ जाता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाता है,
और जो एल्जेब्रिक सम है वो भी जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब फोर्स वन वन है और फोर्स टू माइनस वन है, दोनों को करेंगे तो जीरो आएगा। हमेशा एक फोर्स नेगेटिव में रहती है, क्यों? क्योंकि जब एक फोर्स क्लॉकवाइज में जा रही है तब एक फोर्स पक्का एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी और वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी क्लॉकवाइज फोर्स, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहती है, इसलिए आंसर हमेशा जीरो आता है। और उसके बाद जब एल्जेब्रिक सम की बात करें तब प्लस करके आंसर जीरो होता है, क्योंकि माइनस वन प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस हम डिनोट करते नहीं हैं, इसलिए वो माइनस बन जाता है, इसलिए वो जीरो रहता है। उसके बाद इक्विबिलियम के भी दो टाइप होते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे आओ। इक्विबिलियम के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक इक्विबिलियम और डायनेमिक इक्विबिलियम। स्टैटिक इक्विबिलियम मतलब जो फोर्स रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, सेम रहेगा, रेस्ट के अंडर स्टेट में रहेगा। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फोर्स चीजें रखी हुई है, हिल नहीं रही है ये, लेकिन तो भी इस पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। आप बैठे हुए हो, खड़े हो, अभी जो भी पोजीशन में हो, आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप नहीं हिलोगे, आप खड़े रहोगे, लेकिन तो भी आपका मन करेगा बैठ जाने का, आपको और मन करेगा नीचे जाने का, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ऊपर से फोर्स अप्लाई की जा रही है, आप नहीं हिल रहे हो तो भी इक्वल फोर्स अप्लाई की जा रही है, नीचे से भी ऊपर से भी, उसको बोलेंगे इक्विबिलियम फोर्स। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक इक्विबिलियम फोर्स। अभी स्टैटिक इक्विबिलियम हमने पढ़ा, अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, वो है डायनेमिक इक्विबिलियम। डायनेमिक इक्विबिलियम मतलब वो ट्रांजिशनल या रोटेशनल मोशन में रहेगा। स्टैटिक इक्विबिलियम रेस्ट में था, डायनेमिक इक्विबिलियम मोशन में रहेगा। बारिश होती है, ऊपर से नीचे गिरती है, मतलब मोशन में रहती है वो, उसके जो ड्रॉप है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ जीरो फोर्स के, नेट फोर्स जीरो रख के कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर से नीचे गिरती है, जिसका अलजेब्रिक सम भी जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विबिलियम। बहुत सारे फोर्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं, बादल के फोर्स रहते हैं, एटमॉस्फेरिक फोर्स होता है, उसके खुद के फोर्स होते हैं, ये इस स्टेटमेंट को प्रूव करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्वल फोर्स, उसमें जो वो नीचे गिरेगा डायनेमिक इक्विबिलियम को फॉलो करेगा, दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन नीचे से ऊपर उड़ता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ता है, तो भी वो एक कांस्टेंट हाइट पे एक वेट को लेके उड़ते रहता है। क्यों उड़ते रहता है? वो बैलेंस किए रहता है, उसका जो नैरो शेप रहता है, उसके जो विंग्स रहते हैं, विंग्स सारा काम करते हैं, उसके हिलते नहीं उसके विंग्स चिड़िया की जैसे, लेकिन उसके विंग्स और जहाँ पर वेट है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर एरोप्लेन का विंग्स अगर एक सेंटीमीटर या एक मिलीमीटर भी हिला देंगे ना, एरोप्लेन गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम स्टोन टाई करेंगे सर्कुलर पाथ में और उसको यूनिफॉर्म स्पीड में छोड़ देंगे, एक को घुमाएंगे, बर्तन घुमाएंगे, उसके अंदर एक पत्थर रख देंगे, पत्थर को एक धागे से पकड़ लेंगे तो गोल 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 घूमते रहेगा, उसका जो सेंट्रीपेटरल फोर्स रहेगा वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, और जो घूमते रहेगा डायनेमिक मोशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। जो कंडीशंस रहने चाहिए वो भी सेम कंडीशंस है, रिजल्टेंट जीरो चाहिए, एल्जेब्रिक सम जीरो चाहिए। एक और टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? दो फोर्स आते हैं, दो पॉइंट रहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो और एल्जेब्रिक सम जीरो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग ये जो इक्विबिलियम रहता है और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल रहता है। मतलब ये वाला डायग्राम, इसमें हमें वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट करना रहता है। ये लेंथ वन, ये लेंथ टू, ये वेट वन, ये वेट टू, दोनों इक्वल नहीं है, इसमें तीन वेट है, इसमें दो वेट है, लेकिन जो लेंथ मेंटेन की जा रही है वो दोनों को इक्वली सपोर्ट कर दे रहे हैं। ये हम पास में ले रहे हैं तो ज़्यादा वेट दिखा रहा है, ये दूर ले रहे हैं तो कम वेट दिखा रहा है, ये दोनों वेट इक्वल हो गए हैं। कैसे इक्वल हो गए हैं? जो लेंथ मेंटेन की जा रही है, मतलब जो डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है दोनों से, वो इसको इक्वल बना दिया है। आई होप इन्हें जो पढ़ाया है समझ में आ गया है। तो भी कई डाउट्स मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय।